नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर टू गो थ्रू कर लेते हैं। इसके पहले आप प्रैक्टिस पेपर वन, प्रैक्टिस पेपर थ्री और जुलाई 2019 का पेपर अपलोड किया हुआ है उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा पेपर में, एग्ज़ाम में। चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट सबसे फिट, फिटर फिटेस्ट, जो सबसे फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, ये बताने वाले कौन थे? डार्विन। और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले कौन थे? लेमार्क। तो लेमार्क का जो आंसर है, यूज़ और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज़ और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंग का उपयोग और उपयोग करो और उपयोग नहीं करना, ऐसा यूज़ और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो ये आप आंसर पढ़ लीजिएगा विलेमार्किज्म का, और डार्विन का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उसका आंसर एक बार पढ़ लीजिए। व्हाई द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एमपी में, ये तो पुराने पोर्शन का, ये पेपर में नहीं आएगा, कट कर देता हूँ। आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। पॉलेंस तो भैया एंड्रोशियम का पार्ट हो गया ना, मतलब एंड्रोशियम मेल से रिलेटेड हो गया। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी ये सब गाइनोशियम का पार्ट होगा, इधर पॉलेन आएगा। व्हाट आर स्टेम सेल्स, व्हाट आर स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स के लिए पेज नंबर 88 देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में। स्टेम सेल्स कैस सच सेल्स इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल विच गिव राइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में टोटीपोटेंसी होता है, क्या होता है? टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, क्या टोटीपोटेंसी? टोटी शब्द बनता है टोटल से, पोटेंसी यानी क्षमता, क्या क्षमता, ये माँ है, ये क्षमता, मतलब एक सेल से हम सब कुछ बना, एक सेल से वो सब कुछ बन सकता है, वैसी क्षमता होती है, इसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी, क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी। तो ये स्टेम सेल से बाइट कर लीजिएगा। स्टेट वेदर टू ऑफ अस, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, न्यूट्रिएंट्स जो इकोसिस्टम में फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, ये फॉल्स है, ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हमने पहले ही कर लिया है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स के वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which forms to which falling materials are converted after digestion? Milk, milk किस में कन्वर्ट होता है? Milk में प्रोटीन होता है, तो अमाइनो एसिड्स में बदलेगा। Milk में कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, शुगर में बदलेगा। Milk में फैट भी होता है, लिपिड, और फैटी एसिड्स में बदलेगा। आगे पोटैटो पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरा है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ऑयल लिपिड है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होगा। और चपाती कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का ड्राइंग भी पढ़ लीजिए, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का आप डिस्टिंग्विश कर लीजिए, पेज नंबर 27 पे आपको मिलेगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है कि जो पॉलन है उसी झाड़ के फीमेल फ्लावर पे गिरेगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जो पॉलन है वो दूसरे झाड़ के फीमेल फ्लावर पे गिरेगा, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आगे, इफ अ पीस ऑफ ब्रेड इज केप्ट इन अ कंटेनर मॉइस्ट प्लेस फॉर 2 डेज, तो मतलब नमी जगह पे रखा जाए 2 से 3 तक, तो उस पर क्या दिखेगा आपको? हमको एक सफ़ेद रंग के फाइबर्स दिखेंगे, फाइबर्स बोलो धागे जैसे पतले पतले चीज़ दिखेंगे, ऑन अ ग्रोइंग ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड, और उसको हम क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा फंगस, और उस फंगस का नाम क्या है? म्यूकॉर। उस फंगस का नाम क्या है? म्यूकॉर, MUCOR, म्यूकॉर, ठीक है। व्हाट विल यू सी, फंगस है, वो एक फंगस है, और उसका नाम क्या है? म्यूकॉर, क्या है उसका? म्यूकॉर। और म्यूकॉर की ड्राइंग होगी आपकी किताब में, पेज नंबर 25 पे, वो देख लीजिए, ड्राइंग लेबलिंग के लिए भी आता है। राइट, साइंटिफिक नेम, अच्छा देखो साइंटिफिक नेम इधर दिया है म्यूकॉर, एंड कैरेक्टर उसका कहना है सेफ्रोटोपिक है, सेफ्रोटोपिक बोले तो सड़े चीज़ों पर वो उगता है, सेफ्रोटोपिक। फिर नो क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और इसकी बॉडी फाइब्रस होती है, फाइब्रस बोले तो धागे के जैसे पतली बॉडी होती है इसकी, फाइब्रस बॉडी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड टाइप ऑफ फिगर, ये क्या है? प्लैनेरिया, प्लेनेरिया, और ये प्लेनेरिया में क्या हो रहा है? रीजनरेशन, प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया में क्या हो रहा है? रीजनरेशन, क्या हो रहा है? रीजनरेशन। ये प्लेनेरिया में भी होता है, साइकॉन में भी होता है बेटा, हाँ साइकॉन, दो चीज़ें, प्लेनेरिया और साइकॉन दोनों में रीजनरेशन होता है। ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक रिप्रोडक्शन, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है। इधर रीजनरेशन प्लेनेरिया है, इट ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इंटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट रीजनरेटेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, ये 2 भागों में टूट जाता है और उसका हर 2 भाग एक नया शरीर बन जाता है, इसको प्लेनेरिया, ठीक है, कुदरत का करिश्मा है बेटा। और कुछ नहीं,
राइट एनी टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्लैट वर्म और राउंड वर्म। फ्लैट वर्म और राउंड वर्म के अंदर फर्क है। फ्लैट वर्म फ्लैट यानी चपटी कृमि और राउंड वर्म यानी गोल कृमि। फ्लैट वर्म को वर्म को मिंथिस बोलते हैं और फ्लैट को प्लेटी बोलते हैं, प्लेटियल मिंथिस, और गोल को राउंड बोलते हैं, एस्चल सिलेंडर की तरह, और मिंथिस यानी वर्म तो एस्चल मिंथिस। तो इसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो हम नीचे की तरफ जाते हैं। देखिए फ्लैट वर्म इसका लीफ लाइक फ्लैट बॉडी, इसका लीफ लाइक फ्लैट बॉडी पत्ते की तरह, जैसे आप ये ना बरगद का पत्ता वैसा, बरगद का नहीं, हाँ बरगद के पत्ते की जैसे लीफ लाइक फ्लैट बॉडी। और इसका क्या, थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी, धागे के जैसा लंबा। नेक्स्ट है अकोलियोमेट, क्या अकोले, इसमें मतलब देह गुहा होता ही नहीं, देह में होल होता ही नहीं है, है ना, मीजोडम में होल होना चाहिए ना वैसा, तो इधर पे होल होता ही नहीं, अकोलियोमेट। और स्यूडो कोलियोमेट में नकली देह गुहा, क्या बोलेंगे इसको, नकली देह गुहा, ये देह गुहा ही नहीं, ठीक है, अकोलियोमेट नकली देह गुहा, क्या नकली देह गुहा, नकली देह गुहा, ठीक है। तो भैया एक्टोडम एंडोडम मीजोडम होता है ना, मीजोडम में अगर होल रहेगा तो यूकोलियोमेट, म्यूजोडम में होल नहीं रहेगा तो अकोलियोमेट, और म्यूजोड पूरे म्यूजोडम के बीच में नहीं, म्यूजोडम कंप्लीट होने के बाद होल रहेगा तो स्यूडोकोलियोमेट, होल तो है लेकिन म्यूजोडम में नहीं है। इसका उदाहरण एस्कैरिस, इसका उदाहरण टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया। लीवर फ्लूक ये सुअर में होता है, सुअर स्वाइन, स्वाइन में पाया जाता है लीवर फ्लूक नाम का ये फ्लैट वर्म, ठीक है। टेप वॉर्म, प्लेनेरिया और एस्कैरिस, एस्कैरिस, ठीक है, राउंड वर्म, ये सब हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, ठीक है, बच्चों में होता है ना आके कीड़े हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, ये उसी का है नतीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंबल है, ये आपका क्या है, ग्रीन एनर्जी, ये आपका क्या, देखो ना इधर विंड मिल दिख रहा है, सोलर एनर्जी दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्रीन एनर्जी, ये आपका क्या है, ग्रीन एनर्जी, इसको इको फ्रेंडली बोलते हैं और ये इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म नहीं होगा, इसको रिन्यूएबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। नेक्स्ट ये क्या, सेव वाटर यूज वाटर जुडिशियली, यूज वाटर, विच बिजनेस विल यू स्टार्ट नियर द एग्रो टूरिज्म सेंटर, एग्रो टूरिज्म सेंटर के लिए आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, एग्रो आजकल अमेरिका में ज़्यादा हो रहा है, सब ऐसा है कि किसान लोग अपनी खेती के लिए, खेती में एंट्री देने के लिए टूरिस्टों से पैसा लेते हैं और वे खुद ही जाके बाग बगीचे देखते हैं, खेत देखते हैं, और जो जो फल सब्जी उनको चाहिए वे खुद ही तोड़ते हैं और बाद में लास्ट में काउंटर पे जमा करते हैं और लेके जाते हैं। मतलब अपना घूमने का भी तरीका हो गया और खुद एक्सपीरियंस हो गया झाड़ में से फल तोड़ने का, सब्जी तोड़ने का वगैरह सब, तो एक एग्रो टूरिज्म सेंटर है, तो इस पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल के स्टॉल लग सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टॉल लगा सकते हो, होटल खोल सकते हो, फ्रूट जूस खोल सकते हो, बुल्लक काट की फेरी, फेरी यानी सवारी, किसकी, बैलगाड़ी की सवारी, बेटा इसमें भी घूमना एक रोचक बात है ना, बैलगाड़ी की सवारी की, तो वगैरह ये सब, जैसे कितने बड़े हो जाओ झूला झूलने का मजा तो अलग ही है ऐसा। नेक्स्ट ऑब्जर्व द पिक्चर, तो ये क्या, भ्रूण विज्ञान, ये क्या बेटा, भ्रूण विज्ञान, इसको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस और एनाटोमिकल एविडेंस ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ये तीन एविडेंस, ठीक है। आगे व्हाट कैन बी प्रूफ विद दिस प्रूफ, इससे क्या साबित होता है कि भैया शुरुआत में हम सब एक ही जैसे ही दिखते हैं ना, तो हम पहचान नहीं पाएंगे किसका भ्रूण है ऐसा, तो ये कहीं ना कहीं सबूत देता है कि हम सब पहले एक ही थे, हम सब पहले एक ही रहते हैं, बाद में हमारे में डिफ्रेंसिएशन होता है। गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का और एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस लिख दीजिए, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस लिख लीजिए, एनाटॉमिकल एविडेंस लिख लीजिए, कनेक्टिंग लिंक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते राइट सिक्स स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंटेड बाय यू फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट बचाने के लिए सिक्स स्ट्रेटजीज क्या है, उसको सी स्क्वायर ए पी क्यूब याद रखिए, कंजर्वेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन, अवेयरनेस हिंदी वाले, संरक्षण, नियंत्रण, उत्पादन, पालन, रोकथाम और जागरूकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट शोन इन द फिगर, व्हाट इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज शोन इन द फिगर, तो फिगर में क्या बनाया है, फूड चार्ट, फूड चेन, क्या बनाया है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला बनाई गई है, भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला। राइट नेम एंड टॉपिक लेवल ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट, तो ये आपका ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर, ये आपका टिड्डा ग्रास ओपर, ठीक है, टिड्डा ग्रास ओपर, फिर इसमें छोटी चिड़िया, छोटी चिड़िया को स्नेक खाएगा, स्नेक को बड़ी चिड़िया ईगल खाएगी, ठीक है। और ध्यान दो, ग्रीन प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर, ग्रास ओपर, ग्रास ओपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बोले तो उत्पादक,
प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक भक्षक, स्मॉल बर्ड सेकेंडरी भक्षक, स्नेक टर्शरी कंज्यूमर, ऑयल आपका आउल आपका टॉप कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर आपको आगे। स्केच एंड लेबल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनानी है। इफ द वुमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, नहीं वुमेन रिस्पॉन्सिबल है क्या, नहीं मेल के लिए एक्स वाई लगता है और फीमेल के लिए एक्स एक्स लगता है, तो फीमेल तो दोनों में एक्स ही देने वाली है, तो ये वाई और एक्स आएगा निर्भर करता है आदमी पे, तो आदमी डिसाइड होता है कि आदमी से ये डिसाइड होगा कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो ये आंसर पढ़ लीजिए और साथ में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ड्राइंग कर लीजिए, और ह्यूमन फेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में डिस्टिंग्विश भी कर लीजिएगा, ये तीन क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, कौन सा एनर्जी बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा रही है, कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन विच एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इसमें विंड एनर्जी यूज हो रहा है। इज दिस पावर प्लांट इको फ्रेंडली, हाँ इको फ्रेंडली है, यस पर्यावरण स्नेही, यस क्यों, प्रदूषण नहीं कर रहा है, विंड इनएग्जॉस्टिबल है, खत्म नहीं होगा और इजिली रेप्लिनिश्ड होगा, मतलब है इजिली रेप्लिनिश्ड होगा, मतलब है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे हाउ द एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इज प्रूविंग हार्मफुल, ज़्यादा हम सोशल मीडिया यूज़ करें तो ये नुकसानदायक कैसे है, आज हम लोग अकेले पड़ पटे हैं, हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं अकेला महसूस हो रहा है, और अकेला महसूस पहले नहीं होता था, आजकल होने लगे हैं, क्योंकि हम जो अपनी बातें हैं वो सोशल मीडिया पे कहते हैं। सोशल मीडिया बेटा एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है और नथिंग एल्स, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, तो लोग मोबाइल में घूमने रहते हैं, ये सब मतलब ऐसा हो रहा है कि लोग मानसिक तौर से बीमार होते जा रहे हैं, समझ में आ रही है। आगे वेयर एंड विच फॉर्म्स द एमाइनो एसिड फॉर्म डाटा डाइजेशन ऑफ फूड आर यूज इन द बॉडी, एमाइनो एसिड जो डाइजेशन होता है फूड में तो बॉडी में कहाँ यूज़ होता है, तो ये पेज नंबर 16 पे बहुत बढ़िया ड्राइंग दिया गया, बहुत बढ़िया ड्राइंग दिया गया पेज नंबर 16 के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पे, क्या ड्राइंग में, जैसे ऑसिन बोन्स हड्डी के लिए काम आएगी ऑसिन एमाइनो एसिड, ठीक है, फिर स्किन के लिए क्या आए, क्या काम आएगी स्किन के लिए काम आएगी मेलानिन और केराटिन, स्किन और हेयर के लिए, बालों और चमड़ी के लिए, ठीक है, और पैनक्रियास के लिए क्या काम आएगी, पैनक्रियास के लिए इंसुलिन और ट्रिप्सिन, मसल्स के लिए क्या काम आएगा, मांसपेशियों के लिए एक्टिन और मायोसिन, ब्लड के लिए क्या काम आएगा, ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज। अब पेज नंबर 16 पे कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी वन विच प्रोसेस, ये कौन सा पोटेटो है, ट्रांसजेनिक पोटेटो, इसको कच्चा खाना चाहिए, कौन सी बीमारी में काम आता है, कॉलेरा की बीमारी में काम आता है और आपको ई कोली बैक्टीरिया से बचाएगा, ठीक है, ई कोली बैक्टीरिया से बचाएगा, कॉलेरा की ई कोली, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप पेज नंबर 94 पे कर लीजिएगा। आगे ऑब्जर्व द इमेज ए एंड बी और बताइए विच डिजास्टर इज शोन इन द फिगर, ए में भूकंप बताया गया है और बी में आग बताई गई है, विच प्राइमरी प्रिकॉशंस विल यू टेक इन केस ऑफ डिजास्टर शोन इन ए, ए में आप क्या मतलब सावधानी बरतोगे, डू नॉट हेल्टर स्कैटर, भगदड़ ना मचाइए, अफरा तफरी मत करिए, हाइड बिलो द टेबल और कॉट, टेबल या कॉट, कॉट बोले तो खटिया के नीचे हाइड हो जाइए, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई एंड डू नॉट स्टॉप नियर बिल्डिंग ट्रीज इलेक्ट्रिक पोल्स, इनके इधर में बिल्डिंग के इधर मत खड़े हुए, झाड़ के नीचे मत खड़े हुए, बिजली के खंभों के नीचे मत खड़े हुए, विच टाइप ऑफ फर्स्ट एड इज ऑफर्ड टू इंजर्ड विद डिजास्टर, भी डिजास्टर भी में अगर कोई घायल होता है, किसी को कोई जल जाता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका प्राथमिक उपचार कैसे करोगे, फर्स्ट एड ऑफर वाटर टू ड्रिंक, उसको पानी देंगे, क्लीन द वॉन्ड्स, जो जख्म हुए, वॉन्ड्स बोले तो जख्म, जो उसको जख्म हुए हैं उस जख्म को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से हम उसको क्लियर करेंगे, कवर इट विद क्लीन ड्राई बैंडेज, उसको कवर करेंगे, बैंडेज नहीं है तो एक अच्छा नया कपड़ा बोले तो मतलब गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए, स्वच्छ कपड़े से उसे ढक देंगे और कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, डॉक्टर को हम संपर्क करेंगे। सर हमारे सारा पेपर का रिवीजन हो गया है, आप इसे कर लीजिएगा और जितना क्वेश्चन बताएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट ड्यू रिजन क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं बना देता हूँ ड्यू रिजन के लिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, जय हिंद।